हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग आपके जो हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो वीडियो नंबर 2 है वो लेकर आए हैं आपके लिए। एंड आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देखने वाले हैं जिनको के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपने अंडर रखा हुआ है। जस्ट फॉर द रीज़न क्या है उसका, टू सेव द यू नो कल्चर एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस, जितने भी हमारे वर्ल्ड की हैं उनको लेकर। तो चलिए, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और साइट का नाम जिसका नाम आपने सुना भी होगा, दैट इज हमारे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ों पे कौन सा रेलवे चलता है, तो देखो बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, हाई एल्टीट्यूड कह सकते हो आप वो एरियाज, जहां पर ट्रेन चढ़ा करती हैं। जैसे शिमला चले जाओ, तुम लोग दार्जिलिंग घूमने चले जाओ, या तुम लोग नीलगिरी हिल्स चले जाओ, तो वहां पर जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से डेवलपमेंट करी थी ना, उन्होंने उस लेवल तक उधर भी जो है वो ट्रेन को पहुंचाया हुआ। तो चलिए उन्हीं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिस्टम जो है, इसको जो है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा हुआ है। देखिए 1999 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड ऑन किया गया था। वॉज द फर्स्ट एंड इज स्टिल द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हिल पैसेंजर रेलवे। अगर आप कभी दार्जिलिंग घूमने जाओ तो यहाँ पर ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ों को पूरा ऐसे गोल 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 काट कर ऊपर चली जाती है, तो पूरा गोल गोल बड़ा ही खूबसूरत सा एक व्यू है गाइज, अगर आप कभी जिंदगी में वहाँ जाओ तो देखो, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि आप गाड़ी में जाओगे तो आप जल्दी पहुँचोगे, ट्रेन से जाओगे तो लेट पहुँचोगे, बिकॉज वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन मज़ा जो है उसमें जाने का वो अलग ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर देखो इसकी बात की जाए, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसकी ओपनिंग देखी जाए गाइस, तो इसको ओपन किया गया था 1881 में। कैन यू इमेजिन 1881 में ब्रिटिशर्स, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है। इट्स डिजाइन अप्लाइज बोल्ड एंड जो है इसकी इंजीनियस इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन एफेक्टिव रेल लिंक अक्रॉस एंड माउंटेनियस टेरेन ऑफ द ग्रेट ब्यूटी। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गाइस कि उन्होंने पहाड़ों पर जो है अपने रेलवे को पहुंचाने के पीछे का उनका रीजन क्या है। एक तो रीजन अगर हम देखें इसमें, तो वहां पर देखो कॉमर्शियली देखें हम लोग, तो वहां पर चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है, और चाय की खेती को की प्रोडक्शन इजिली लोग मतलब वो एक्सेस करने के लिए उन्होंने रेलवे पहाड़ पर पहुंचाई, दार्जिलिंग एरिया तक लेकर के। खूबसूरती एक और मतलब उसका रीजन भी माना जाता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए भी इन्होंने जो है इस हिमालयन रेलवेज का जो है उद्घाटन या जो भी आप समझते हो वो किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेलवे, देखिए उसके बाद 2005 में जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे सिस्टम है इसको भी जो है दोस्तों क्या किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है, ठीक है। अ 46 किलोमीटर लॉन्ग मीटर गॉज सिंगल ट्रैक रेलवे इज तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पहले, अगर आपसे पूछा जाए दार्जिलिंग वाला एरिया किस स्टेट में है, तो दोस्तों ये स्टेट है WB, दैट इज वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो इधर देखो आप, दूसरा हमारा जो तमिलनाडु में जो हमारी नीलगिरी माउंटेन रेंजेस हैं उनके ऊपर जो रेलवे सिस्टम चल रहा है उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है, जिसकी शुरुआत 1854 ईस्वी में जो है हुई थी, बट ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ माउंटेनियस लोकेशन द वर्क ओनली स्टार्टेड इन 1981 एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1908 में, यह काम खत्म हुआ था। दिस रेलवे स्केलिंग एंड एलिवेशन ऑफ 326 मीटर टू 203 मीटर रिप्रेजेंटेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम, उस टाइम की जो है टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो है रेलवेज को लेके गए हैं ये लोग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कालका शिमला रेलवे गाइस, ठीक है। 96 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक बिल्ट इन द मिड 19th century टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द हाईलैंड टाउन ऑफ शिमला इज एन एम्बलमैटिक ऑफ द टेक्निकल एंड मटीरियलिंग एफर्ट्स टू यू नो डिसइंक्लेव माउंटेन पॉपुलेशन थ्रू द रेलवे। बेसिकली कालका शिमला रेलवे कहाँ पर, ये तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, और इसको एड ऑन किया गया है कब, 2008 में इसको जो है वो किसके अंदर डाला गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया है, ठीक है। पोलिटिकल मतलब बेसिकली ये एरियाज जो है हाई आउटेज उस पर है,
ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर है। एंड ऑल द थ्री, जितने भी ये तीन जगहें हैं ना, चाहे हम लोग दार्जिलिंग की बात करें, नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात करें, या शिमला कालका शिमला रेलवे की बात करें, ये तीनों के तीनों स्टिल ऑपरेशनल है। यहाँ अभी भी जो है, अगर आप कभी घूमने जाओ इन जगहों पर, तो आप अभी भी जाकर इन जगहों का मजा जो है ले सकते हो एंट्रेंस में बैठ कर, गाइस। ठीक है, तो ये तीन जगहें जो हैं, जो हमारे माउंटेन रेलवेज हैं इंडिया के, तो माउंटेन रेलवेज आपने तीन याद रखने, कौन कौन से, एक दार्जिलिंग वाला, नीलगिरी वाला, और तीसरा शिमला रेलवेज। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, कुछ इमेजेस को देखिए और आप समझ सकते हो। देखो, ये उतनी बड़ी ट्रेन नहीं होती है जितनी हमारी लोकल प्लेन एरिया में जो ट्रेन चलेगी उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी छोटी ट्रेन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कभी जाओ तो आपको पहाड़ों के ऊपर ये चलती दिखाई देंगी। बिल्कुल ये आपका हाईवे होगा, रोड होगा, और रोड के साथ साथ में ये ट्रेन भी चल रही है, तो कितना खूबसूरत सा व्यू होता है आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो बच्चे घूमने गए होंगे डेफिनेटली वो इमेजिन कर सकते हैं, बट बहुत ही मूवीज़ वगैरह में तो आपने देखा होगा, जैसे बर्फी जो रणबीर कपूर की मूवी थी उसकी पूरी शूटिंग जो है वो दार्जिलिंग में हुई है, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइस नेचुरल साइट्स को। आप ये देखें, यहाँ पर स्लाइड्स लिखा हुआ है, बट इट्स नेचुरल साइट्स, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, इट्स नेचुरल साइट्स गाइस। ठीक है, हमारे पास नेचुरल साइट्स भी हैं, कुछ ऐसी जगहें कुदरती, कुछ कुदरत की तरफ से दी गई ऐसी जगहें जिनको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा हुआ है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014 में इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड ऑन किया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन द कुल्लू रीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखेगा कहाँ पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, और दिस पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 में इसको बनाया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ हैबिटेट टू न्यूमेरियस फ्लोरा एंड फना। इस हैबिटेट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे जानवर हर तरीके की लाइफ आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 375 टाइप्स के फोना स्पीशीज हैं, इंक्लूडिंग 131, देखो यहाँ पर जानवर जो हैं, 375 टाइप्स के आपको लाइफ, एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी, जिसमें से 31 मैमल्स हैं, 181 बर्ड्स हैं, 3 रेप्टाइल्स यहाँ रहते हैं, और 9 एम्फीबियंस रहते हैं, 11 एंटलर्स रहते हैं, 17 मोस्कोस रहते हैं, एंड 127 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स इस ग्रेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। These are protected under the strict guidelines of the Wildlife Protection Act of 1972. 1972 में Wildlife Protection Act पास हुआ था, गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि Wildlife Protection Act कब पास हुआ था, तो साल याद रख लेना 1982, इसके अंडर हमने Wildlife को प्रोटेक्ट करा, जैसे कि वर्ड ही आपको डिफाइन कर रहा है कि इसका क्या मतलब है, Wildlife Protection Act। और दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पर मैमल्स देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, रेप्टाइल्स देख रहे हो, एम्फीबियंस वगैरह जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इन सब को बचाने के पीछे जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो साफ पास हुआ था उसके अंदर इनको बचाना है गाइस। हैंस एंड एनी सॉर्ट ऑफ हंटिंग इज नॉट परमिटेड, और इस नेशनल पार्क में हंटिंग इज नॉट अलाउड। गाइस देखो, जितनी भी चीजें प्रोटेक्शन के लिए आ रही हैं ना, उसके पीछे का रीजन ये माना जाता है कि इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हुई हैं एनिमल्स की, या इंडिस्क्रिमिनेट यूजेज हुआ है उस जगह का, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही हैं, एंड फॉर दैट रीजन एंड टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास किया था, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बरकरार, जितने भी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने जब स्टडी किया है उन्होंने देखा है कि हर एक सोसाइटी में, चाहे हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ जितना रोल कुत्ते का है उतना ही रोल बिल्ली का भी है, उतना ही रोल चूहे का भी है, तो हमको क्या है एक बैलेंसिंग लाइफ जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से हम इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स कर रहे हैं एनिमल्स की, उससे क्या हो गया, आप सोचो ना, आपके घर में चूहे ही ज़्यादा हो गए, आपने बिल्ली मार दी, चूहे ही ज़्यादा हो गए, तो वो भी प्रॉब्लम है आपके लिए, है ना। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि आपको ये सारी जितने भी आपके प्रोटेक्शन में जो वाइल्ड लाइफ इनको जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अपने अंडर रख रहा है, किस वजह से कि प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, बैलेंस रहा है इस धरती पर, बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं, इन जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वॉज एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। 2014 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया अंडर द क्रिएशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। किस लिए, बायोडाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इस मुहिम को चलाने के लिए हमने इसको ऐसा। तो गाइज अगर आप कभी जाओ इस ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, तो आपको कुछ ऐसे व्यूज वहां पे देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, मैदान होगा, पत्थर पथरीला रास्ता भी होगा, घास भी आपको दिखेगी, एनिमल्स वगैरह आपको सारे के सारे यहां से देखने को मिलेंगे। और यहीं से गाइज आपकी बहुत सारी रिवर सिस्टम का भी फ्लो होता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला कौन सा आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? काजीरंगा नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आप घूमने कभी जाओ तो आपको कुछ वहां पर एक सींग वाला गैंडा दिखेगा, ये एंटेलोप्स दिखेंगे आपको, ये टाइगर दिखेगा, ऐसे घर दिखेंगे, ऐसे आपको वहां पर टॉर्टोइस दिखेगा। तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक व्यू आपको काजीरंगा नेशनल पार्क को में दिखेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया था। सेम प्रोसीजर के हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करनी है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी लाइफ से उनको प्रोटेक्शन हमने देनी है। तो यहां पर देखो, इन द हार्ट ऑफ आसाम, ये कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है भाई साहब। पहला पॉइंट आपका यहां से क्लियर हुआ। दिस पार्क इज वन ऑफ द लॉस्ट एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया अनडिस्टर्ब्ड बाय अ ह्यूमन प्रेजेंस। इट इज हैबिटेड बाई वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। तो गाइज यहां से एक चीज क्लियर हो, आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एक सींग वाले गेंडे की, ये वाले एक सींग वाला गैंडा आप देख रहे हो यहां पर, इस गैंडे की आपको जो है वहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1908 में इसको बनाया गया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। 1908 में जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के अंडर था, इस काजीरंगा नेशनल पार्क को सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बल्कि गवर्नमेंट उन एरियाज का अपने लिए यूज करती है, और ब्रिटिशर्स इन फॉरेस्ट का यूज अपने लिए कर रही थी। वहां पर एक भी इंडियंस की अलाउ जो है उनको अलाउड नहीं किया जाता था। इट सब्सिक्वेंट जो सब्सिक्वेंटली वॉज डेजिग्नेटेड अ गेम, 1960 गेम सेंचुरी बनाई गई इसको, फिर 1960 में ये गेम सेंचुरी बन गई, और फिर 1950 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई बिफोर बिकमिंग अ नेशनल पार्क इन 1974। और 1974 में फिर ये क्या बनी गाइज, आपकी नेशनल पार्क बनी। और उसके बाद 1985 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। तो आपने क्या पढ़ा, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, वहां पर कौन सा आपके जानवर पाया जाता है? वन हॉर्न्ड राइनोसोर पाए जाते हैं। 1908 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। 1908 के बाद 16 में इसको जो है गेम सेंचुरी बनाया गया। उसके बाद 1950 में इसमें सेंचुरी भी ये बन गई आपकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई, एंड 1974 में ये नेशनल पार्क बन गई, और फाइनली 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया था। गाइस क्लियर हुआ ये चीज भी आपकी? शाबाश, चलो काजीरंगा नेशनल पार्क भी याद रख लीजिएगा कहां पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्लियाडो नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियाडो नेशनल पार्क 1985 में अगेन इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया था। एंड क्लियाडो नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करती है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर राजस्थान में है ये। ठीक है, क्लियाडो नेशनल पार्क के अंदर ही आपको भरतपुर पैलेस को, पैलेस का जो पुराना नाम था वो था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये कहां पर है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया। ठीक है, तो कौन से स्टेट में है क्लियाडो नेशनल पार्क? तो याद रखना क्लियाडो नेशनल पार्क कहां पर है मेरे दोस्तों? राजस्थान में। देखो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि क्लियाडो नेशनल पार्क कहां पर है, तो राजस्थान याद रखना। एंड इज फेमस फॉर एविफोना, और ये किस लिए मशहूर है? यहां पर आपको फेमस एविफोना सेंचुरी है दैट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहां पर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपको पता है बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं, वो पर्टिकुलरली एक जगह पे नहीं रहते हैं। जैसे आप जितने भी मोस्टली पहाड़ों पे रहने वाले लोग हो, जैसे अगर मैं बात करूं डोडा, भद्रवाह, रामबन, किश्तवाड़, आप देखते हो कि पैरट जो हैं वो पर्टिकुलरली एक सीजन में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन विंटर्स में आपको कोई पैरट्स नहीं दिखाई देते। या अगर आपने अपने आस पड़ोस में कुछ चीज़ों को अगर नोटिस किया है, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप चीज़ों को नोटिस करते हो, बट पॉजिटिव वे में, अच्छी चीज़ों को नोटिस करते हो, आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स आपको पर्टिकुलर किसी एक सीजन में दिखाई देते हैं, अगले सीजन में वो आपको दिखाई नहीं देते। तो वी कॉल दैट बर्ड्स एज माइग्रेटरी बर्ड्स और माइग्रेशन करने वाले बर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर माइग्रेशन होती है बहुत सारे बर्ड्स की। तो देखिए इसके पास अगर हम देखें तो 350 टाइप्स के बर्ड्स की यहाँ पर रेजिडेंट है। यहाँ पर कितने टाइप्स के बर्ड्स पाए जाते हैं? 350 टाइप्स के बर्ड्स का ये घर है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन 1971 में इसको प्रोटेक्टेड सेंचुरी बनाया गया था।
एंड एस्टेब्लिश एज ए नेशनल पार्क इन 10th मार्च 1982 और 1982 में इसको 10 मार्च में इसको क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया और फिर फाइनली इसको जो है 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया। इट इज होम टू 366 बर्ड स्पीशीज, 359 फ्लोरल स्पीशीज, 50 स्पीशीज ऑफ फिश, 13 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, 5 स्पीशीज ऑफ लिजर्ड, 7 एम्फीबियन स्पीशीज, 7 टर्टल स्पीशीज एंड वैरायटी ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मैं दो फोटोज लेके आया हूं बर्ड्स की जो आपको इस क्लियाडो नेशनल पार्क जो कहां पर है, जिसका पुराना नाम भरतपुर वर्ल्ड जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी था, अब उसका नाम बदलकर क्लियाडो नेशनल पार्क कर दिया गया है एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन जो है आपका कौन सा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। गाइस क्लियर है, शाबाश। दो चीजें आपने देख ली, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड देन वी हैव क्लियाडो नेशनल पार्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1985 में इसको भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया था। मानस नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इसके अंदर एक प्रोजेक्ट टाइगर, याद होगा आपको प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, जिस तरीके से इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हुई हैं टाइगर्स की, उनकी पॉपुलेशन लिमिटेड हो गई थी और उनको फिर प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एंड रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व है एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम ऑफ इंडिया। गाइस ठीक है, चलो एक और चीज, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेट करती है, आसाम में लोकेट करती है और यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। ठीक है, लोकेटेड इन द हिमालयन फुटहिल, इट इज द कॉन्टिजिनियस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। दिस पार्क इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज आसाम रूफ्ड टर्टल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हिस्पर्ड हेयर मिलने को देखने को मिलेगा, गोल्डन लंगूर मिलने को देखने को मिलेगा एंड पैगमी हॉग हॉग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बट गाइज मानस जो इज फेमस फॉर पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफेलो आपको यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से। सोचो अगर आपके पीछे ये पड़ जाए, पागल सांड जिसको हम कहते हैं, ये पागल सांड अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे। तो ये ऐसे खूबसूरत सींग वाले जो जानवर हैं वाइल्ड वाटर बुफेलो, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, कौन से पार्क में कौन सा एनिमल ज़्यादा देखने को मिलता है ये चीज़ हम देख रहे हैं और ये चीज़ें आपने याद भी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानस भी हो गया, मानस के बाद हम लोग क्या और कौन सी है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो नेशनल पार्क्स हैं और इनको 88 और 2005 में एड ऑन किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ जम्मू जो है इंडिया की, उत्तराखंड स्टेट में ये पाए जाते हैं। याद रखो नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखना। इन 1998 द साइट वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ नंदा देवी नेशनल पार्क, 2005 में इट वॉज एक्सपेंडेड टू एनकंपास द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में एंड लॉर्ड बफर जोन एंड इट वॉज रिनेम्ड टू नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। पहले ये अलग अलग थे, फिर गाइज देखो 2005 में इस नेशनल जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क था इसको इसमें एड ऑन कर दिया गया और इनका एक ही नाम बना दिया गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसको 2005 में कंप्लीट दोनों को जोड़कर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बनाया गया। तो यहाँ पर अगर आप घूमने जाओ तो आपको कुछ इस तरीके से फूल दिखेंगे खूबसूरत से और इन फूलों के बीच में या कहीं आजू बाजू में आपको ऐसे खूंखार जानवर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कभी जाना हो तो थोड़ा सोच समझ कर जाए, ठीक है। चलें गाइस आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987। सुंदरबन तो आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। सो सुंदरबन नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखें कहां पर है, वेस्ट बंगाल स्टेट में है एंड गाइस दिस डेल्टा इज डेंसली कवर्ड बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट और यहां पर आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। याद है अभी हम कुछ टाइम पहले एमसीक्यूज कर रहे थे और उसमें आया था कि जो आपके सुंदरबन नेशनल पार्क है वहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द बंगाल टाइगर। और यहाँ इस सुंदरबन डेल्टा में आपको बंगाल टाइगर जो है वो देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो द होम टू वैरायटी ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल, इनवर्टिब्रेट स्पीशीज इंक्लूडिंग द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द प्रेजेंट सुंदरबन नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज द कोर एरिया ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन 1973 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1977।
1973 में इस सुंदरबन को टाइगर रिजर्व जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। एंड गाइस 1977 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया गया। उसके बाद 2019 में गाइस यहां पर रामसर साइट भी यहां पर बनाई दी गई है और 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो रखा गया है। तो आप देखो यहां पर जाओ तो इस तरीके से आपको बंगाल टाइगर जो है वो घूमते हुए मिलेंगे, एंटलोप आपको यहां पर देखने को मिलेगा एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको ऐसे जो है वहां पर देखने को मिलेगा। सो यहां पर आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, सुंदरबन नेशनल पार्क में कौन से टाइप्स के आपके फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, वहां टाइगर रिजर्व भी है, बंगाल टाइगर का वहां घर है, मतलब वो वहां पाए जाते हैं, एंड सुंदरबन जो है बेसिकली सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसको 1973 में घोषित किया गया था एंड 1977 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाया गया था। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंस्क्राइब्ड इन 1987 में एंड इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट सिंस 2019 में इसको रामसर साइट के जो भी घोषित कर दिया गया था। क्लियर हुआ गाइस, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। चले गाइस आगे देखते हैं, आगे आ रहा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को भी जो है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो डाला गया है, आई मीन उसको भी उसके अंदर जो है वो रखा गया है, ठीक है। और क्या है इसमें वेस्टर्न घाट्स में, तो देखो वेस्टर्न घाट्स और द शायदरी माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं, ये हम पहले ही ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। रेंज इज अ माउंटेनियस रेंज टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला ट्रांसवर्सिंग द स्टेट ऑफ कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। इन चारों स्टेट का जो कोस्टल एरिया है, पांचों स्टेट का, उनको हम वेस्टर्न घाट के अंदर रख सकते हैं, उनको हम याद रख लो। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज वन ऑफ द 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। यहां पर दुनिया के 8 हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। इट इज समटाइम कॉल्ड द ग्रेट एस्कॉर्पमेंट ऑफ इंडिया, इसको ग्रेट एस्कॉर्पमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट कंटेन्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज, फ्लोरा एंड फना आपको यहां पर देखने को मिलेगा, विच आर वेरी एंडेमिक टू दिस रीजन। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयस। वेस्टर्न घाट्स जो है वो ओल्डर है एंड देन हिमालयस। तो वेस्टर्न घाट्स को भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में इसको एड ऑन किया गया था। बस ये याद रखो, बाकी यहां से आपको कुछ नहीं पूछेगा, ये इसकी इमेजेस हैं आपके लिए याद रखने के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में बिठाने के लिए। बाकी जब जॉब लगेगी दोस्तों तो इन जगहों घूमने जाओ, अपने बच्चों को एटलीस्ट यहां घुमाने ले जाना ताकि उनको तुम्हारी तरह प्रॉब्लम ना आए ये जानने में कि वेस्टर्न घाट कैसा होगा देखने में, है ना, क्रोकोडाइल। तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू के मगरमच्छ को देख छोड़कर और कोई मगरमच्छ नहीं देखा होगा, इससे भी अलावा मगरमच्छ, ये जो जू जम्मू जू में पाया जाता है उसको तो शुरू शुरू में लोग पत्थर भी मारते थे कि वो भाई तू थोड़ा हिल ले, तू क्या कोई प्लास्टिक का तो नहीं रखा हुआ है यहां पे, है ना। तो अब जाकर हम देखते हैं कि वो गायब ही हो गए वहां से, अब वो है ही नहीं वहां पे। तो बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों को नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करने ले जाओ सो दैट उनको आपकी तरह प्रॉब्लम ना आए। चलिए मिक्स साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मिक्स साइट में, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कहीं कोई लोग इसको कंचनजंगा भी पढ़ते हैं ना, कंचनजंगा। तो यहां पर थोड़ा जीव को ऐसे बोलो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, जैसे चाइनीज बातें करते हैं ना जिज करके, वैसे बातें करो तो ये निकलेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसको 2016 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको कहा जाता है। कहाँ पर लोकेट करती है, सिक्किम में, इंडिया में। कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में। इट वॉज इंस्क्राइब टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन जुलाई 2016 में इसको डाला गया था, बिकमिंग द फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली मिक्स हेरिटेज साइट कौन सी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो है। इट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द माउंटेन कंचनजंगा, जो वहां पर पाया जाता है पहाड़, उसके नाम पर, उस पहाड़ के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम जो है वो रखा गया है। द पार्क कंटेन मैनी स्पीशीज, मैमल स्पीशीज हैं, है ना, जो मैमल स्पीशीज वहां पाए जाते हैं, मस्क डियर है, इंडियन लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, हिमालयन थार है, ढोल है, स्लॉथ बियर है, विविड्स हैं, हिमालयन ब्लैक बियर है, रेड पैंडा मिलेगा आपको जैसे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, टिबेटन वाइल्ड एस दिखेगा, हिमालयन ब्लू शीप दिखेगी, मेनलैंड सीरो दिखेगा, गोरिल एंड टैकिन दिखेंगे, एज वेल एज रेप्टाइल इंक्लूडिंग रैट, स्नेक एंड रशियल वाइपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये देख रहे हो गाइस, ये दो प्रकार के जानवर, आई मीन ये दिस इज नॉट एनिमल, ये खूबसूरत सा पहाड़ है, ये आप वहाँ पर आपको कंचनजंगा पहाड़ जो है ये आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके इतना खूबसूरत सा वाइट सा बर्फ से ढका हुआ। एंड अनदर इज गाइज वहाँ पर पाया जाने वाला आपका जानवर, ठीक है, क्या है ये एनिमल है जो वहाँ पर
पाया जाता है गाइस, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो ये आपके इंपॉर्टेंट साइड्स बन रही हैं। चले अब यहां पर कुछ चीजें हैं कि ये देखो, सबसे पहले यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं और डिक्लेयर्ड फॉर ट्रेडिशन और लिविंग एक्सप्रेशन इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर एंड पॉसेस टू द डिसेंडेंट, जो भी चीजें उनके एंसेस्टर्स ने अपने डिसेंडेंट्स को दी हैं उन चीजों को प्रोटेक्शन करने की बात यूनेस्को के द्वारा की गई है। दीज कैन बी प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल ऑब्जेक्टिव आर्टिफैक्ट्स इंस्ट्रूमेंट एंड द कम्युनिटीज एसोसिएटेड विद दम, जितनी भी ये चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो इसके लिए जो हैं वो दोस्तों काम कर रहे हैं। तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो, आपने इन चीजों को पढ़ना है, याद रखना है। इसके बाद गाइस आपको एक और वीडियो दी जाएगी जिसमें कि हम बात करेंगे ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ट्रिक्स आपके थ्रू जितने भी आपकी नेशनल पार्क से इंडिया की वो मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है, तो अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव फॉर योर सपोर्ट गाइस, कीप सपोर्टिंग, मतलब प्यार अपना बरकरार रखिए, दुआओं में याद रखें। तो चलिए गाइस कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।